हेलो एवरीवान वेलकम बैक टू माई चैनल हैप्पी होली इन एडवांस तो गाइज ये मैंने बहुत ही सिंपल सा क्विक सा बिगिनर्स फ्रेंडली और टीन एजर्स भी ये लुक क्रिएट कर सकते हैं तो ऐसा मैंने लुक क्रिएट किया है बहुत ही क्विक सा है तो वीडियो पसंद आए तो लाइक दीजिएगा सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप पहली बार आए हैं मेरे चैनल पर तो चल तो चलो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ तो सबसे पहले आपको अपने फेस को क्लीन करना है टोनर अप्लाई करना है उसके बाद आपको जो भी मॉइस्चराइज़र आप यूज़ करते हैं अपने स्किन के अकॉर्डिंग वो लगा सकते हैं और उसके बाद मैंने यहाँ पर सनस्क्रीन जो लोशन है वो मैंने लिया है बायोटिक का यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि होली के टाइम पे आप बाहर सन में जो एक्सपोज होंगे तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू तो अप्लाई सनस्क्रीन लोशन मी नाव का ऑयल फ्री प्राइमर जे मैं यूज़ कर रही हूँ काफ़ी अच्छा प्राइमर लगा और बजट फ्रेंडली बहुत ही कम मतलब पैसों में आप इसको जो है वो परचेज कर सकते हैं बहुत ही सस्ता है बट अच्छा है तो अच्छे तरीके से मैं इसको अपने स्किन पर जो है वो लगा लूँगी फेस पर लगा लूँगी लेकिन आपको इसकी एक लेयर ही क्रिएट करनी है पेनेट्रेट इसको नहीं करवाना है अपने आईलिड्स पर भी लगा सकते हैं इसको ठीक है लिप्स को मैंने प्राइम किया आँ... आई मीन मॉइस्चराइज़र मैंने अप्लाई किया मॉइस्चराइज़ किया अपने लिप्स को नीविया की लिप बाम के साथ उसके बाद मैंने यहाँ पर लिया है कलर करेक्टर इन साइड का मैं यूज़ कर रही हूँ ठीक है तो इसको मैं अप्लाई कर रही हूँ अगर आपकी स्किन जो है वो ड्राई है तो आप क्रीम प्रोडक्ट यूज़ कर सकते हैं अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आप क्रीम प्रोडक्ट्स को जो है वो अवॉइड ही कीजिएगा ठीक है तो डिपेंड करता है आप किस एरिया में रहते हैं जैसे मैं जहाँ पे रहती हूँ वहाँ वेदर जो है वो नॉर्मल है कभी ठंड हो जाती है ज़्यादातर ठंडी रहती है लेकिन इतनी गर्मी नहीं होती है ठीक है तो इस तरीके से आपको अप्लाई करके ब्लेंड कर लेना है लेकिन वो भी आपको तब अप्लाई करना है अगर आपके फेस पर कोई पिगमेंटेशन है अगर नहीं है तो आप कलर कोेक्शन वाला जो पार्ट है वो आप स्किप कर सकते हैं उसके बाद ये दो फाउंडेशन मैंने ली हैं केमोफलज फाउंडेशन है किस ब्यूटी की काफ़ी थिक फाउंडेशन है ये वाटरप्रूफ है लॉन्ग लास्टिंग है और बजट फ्रेंडली भी है किस ब्यूटी के जो प्रोडक्ट्स होते हैं तो एक्चुअली ये मेरी स्किन टोन से काफ़ी लाइटर थी किस ब्यूटी की और इसमें मैंने ओलिविया की जो लिक्विड फाउंडेशन है वो मैंने मिक्स की है ठीक है तो काफ़ी मतलब नेचुरली फिनिशिंग मैं देख रही थी जब इसकी जब मैं इसको अप्लाई कर रही थी तो बहुत ही अच्छी एयरब्रश जैसी फिनिशिंग इसकी लग रही थी मतलब मुझे बहुत ही अच्छा लगा इन दोनों को मिक्स करके अप्लाई करना तो यहाँ पर मैंने बेला वॉस्टी का कॉम्पैक्ट लेकर इस पूरे बेस को सेट किया है स्वीसीबिटी का ये वाला मैं पैलेट ले रही हूँ आप कोई भी प्रोडक्ट जो आपके पास अवेलेबल है उसके साथ ये लुक क्रिएट कर सकते हैं तो इसमें से ही मैंने जो है वो डार्कर ब्राउन शेड लेकर मैं अपने आईब्रोज़ को फिल कर रही हूँ आईब्रोज़ को फिल करना जब भी आप मेकअप करें इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कभी स्किप मत कीजिएगा प्रोडक्ट के बाद मैंने इसको स्पूली के साथ ब्लेंड कर दिया ताकि एक्स्ट्रा सा नहीं लगे पैची नहीं लगे और फिर मैंने यहाँ पे ये वाला कंटोर हाइलाइटर पैलेट लिया है और इसको मैं इसके साथ में कंटोरिंग पहले जो है वो कर रही हूँ अपने फेस की कंटोरिंग ये भी स्किप कर सकते हैं अगर आपको ज़रूरत नहीं है बट अगर आप हल्की हल्की सी कर ले तो अच्छा लगेगा फेस लुक आपका अच्छा लगेगा इससे क्योंकि क्या होता है हमारा फेस वाइट कैनवस हो जाता है तो अगर आप इसको अप्लाई करते हैं तो आपका अच्छा फेस लगने लग जाता है और मैं ये ब्लशर पैलेट ले रही हूँ ये मैंने ऑनलाइन परचेज़ किया है इसका कोई नेम नहीं है सबसे लाइट पिंक शेड मैंने यूज़ की है बहुत ही लाइटली सा मैंने ब्लशर अप्लाई किया है नेचुरल सा तो सेम जो मैंने पॉपफिल का पहले पैलेट यूज़ किया कंटोरिंग के लिए उसी में से मैं हाइलाइटर लेकर बहुत ही लाइटली सा मैं लगा रही बहुत ज़्यादा ओवर नहीं आपको करना है सिर्फ नोज और चीक बोन्स पर ही मैंने अप्लाई किया है तो ये एक मतलब प्रोडक्ट है जो मैंने रिसेंटली परचेज किया अपने ब्रशेस को आप इसके साथ मतलब थर्टी सेकेंड्स भी नहीं लगते हैं आप इसके साथ अपना ब्रश जो है वो क्लीन कर सकते हैं जब भी जैसे मान लो आपने कलर जो है वो यूज़ किया है अब आपको दूसरा कलर यूज करना है तो आपको टावल की या टिशू की ज़रूरत पड़ती है तो इसके साथ वो जरूरत नहीं पड़ेगी तो मैंने इसका रिव्यू वीडियो भी बनाया है वो भी मैं एक दो दिन में अपलोड कर दूंगी तो आप इसका रिव्यू वीडियो ज़रूर देखिएगा तो दो शेड्स मैंने मिक्स करके ऐसे ब्राउन सी शेड मैंने बनाई है और अपने आईलेट पर मैं अप्लाई कर रही हूँ ये बिगनर्स फ्रेंडली भी है सिंपल भी है जिनको बहुत ज़्यादा मतलब कलरफुल आई मेकअप वगैरह नहीं पसंद होते हैं न्यूड सा मेकअप रखना चाहते हैं तो वो इस तरीके का लुक कर सकते हैं बिगनर्स के लिए भी आसान होता है बहुत ज़्यादा ब्लैंडिंग मतलब कलर्स नहीं करने पड़ते हैं ठीक है लोअर लैश लाइन पर भी मैंने लगाया इनर कॉर्नर पर मैंने गोल्डन शिमरी शेड है वो मैंने अप्लाई किया है तो उसके बाद मैंने ब्लैक शेडो लेकर इस तरीके से अपनी लोअर लैश सॉरी अपनी लैश लाइन पर इस तरीके से जैसे काजल हम अप्लाई करते हैं लाइनर लगाते हैं उस तरीके से लगाया कोई विंग वगैरह नहीं क्रिएट किया यहाँ पर मैंने फोकल का मस्कारा अपने अपर एंड लोअर लैशेस पर जो है वो अप्लाई किया है और यहाँ पर मैंने ग्लैम ट्वेंटी वन की लिपस्टिक यूज़ की है मैट लुक देती है और अपने आपके स्किन लिप्स को ड्राई भी नहीं करती काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग भी है आई हाईली रेकमेंड और इसके ऊपर जो मैंने अप्लाई किया है फैंटी ब्यूटी का लिप ग्लॉस मैं इसके ऊपर अप्लाई कर रही हूँ क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा शेड नहीं चाहिए थी तो इसके साथ ही इस तरीके का लिप शेड जो है बन गया है तो काफ़ी प्यारा सा लिप शेड क्रिएट हुआ है तो दिस इज़ द फाइनल लुक गाइज आपको लुक कैसी लगी है वो भी कमेंट करके बताइएगा ज़रूर सपोर्ट मी गाइज़ आई रियली नीड योर सपोर्ट और और भी बताइएगा आपको कैसी वीडियोस देखना पसंद है मैं कोशिश करूँगी ऐसी वीडियोस को अपलोड करने की डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल सी यू गाइज इन मे नेक्स्ट वीडियो टिल देन टेक केयर बाय बाय